मोदी जी का बयान नहीं आया, वो एक्शन लेंगे। वो मेरी बात सुनने के बाद एक्शन लेंगे, बयान नहीं देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह सुन लो, इस्तीफा भी देंगे और अरेस्ट भी होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने उनको अरेस्टिंग नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे कालिख लग जाएगी। अगर वो अरेस्ट नहीं हुए तो मोदी और शाह जो है राजनीतिक तौर पे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए उनको अरेस्ट करना जरूरी है। और पूछो सवाल, पूछो। अमित शाह कह रहे 45 साल और रहेंगे, आप कह रहे अरे 45 साल रहेंगे, लेकिन ब्रजभूषण को अरेस्ट करने के बाद, समझे, उनको अरेस्ट कराएंगे तो 50 साल रह ले, अरेस्ट नहीं कराएंगे तो 24 में ही हार जाएंगे। अभी तक मोदी जी का कोई बयान नहीं आया। अरे यार फिर वही सवाल पूछो, बयान में प्रवक्ता हूँ बीजेपी का। ब्रजभूषण कह रहे कि अगर मोदी जी बोले तो इस्तीफा। अच्छा ब्रजभूषण, इसका मतलब मोदी जी, जवाब सुनो, सवाल कम पूछो। मोदी जी ब्रजभूषण सिंह के सर्वे सर्वा हैं, उनको वो पिता मानते हैं, गॉडफादर मानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं कह तो रहा हूँ, मेरे बोलने के बाद मोदी जी उनसे कह देंगे कि तू जा भाई अंदर और बोलो, बात खत्म, और पूछो। अरे यार रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, अरे तुम्हें नहीं पता है, अरे यार इधर पूछो, चलो रुक जाओ, बाद में बोलना, अरे तुम बाद में बोलना यार। चोट पे ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं आरोप है अगर सिद्ध होगा तो मुझे जो सजा मिलेगी मैं ले लूंगा। हाँ ब्रजभूषण कह रहे हैं मैं गलत नहीं। हाँ तो ब्रजभूषण, अब सुन लो, ब्रजभूषण सिंह साहब अगर ये कह रहे हैं कि आरोप होंगे तो जो सजा होगी, तो इसमें क्या बुरा कह रहे हैं, वो तो सही कह रहे हैं। एक कानून के मानने वाले को यही कहना चाहिए। अब अगर वो ये कह रहे हैं तो आरोप सिद्ध करने के लिए मेरे भाई उनकी अरेस्टिंग जरूरी है, अरेस्टिंग होने के बाद इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर जांच में ये पता चलता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह साहब निर्दोष है तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे इसी मीडिया के सामने, बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और अगर उसमें जांच में पता चलता है ये दोषी हैं तो वो जेल जाएंगे, बात खत्म, इसमें दिमाग क्या। अरे भैया अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, ये सुन लो, जवाब सुन लो, जवाब ठंडे दिमाग से। अरेस्टिंग इसलिए नहीं हो रही है कि जो हमारे देश के राजनेता हैं वो मूर्ख हैं। मान लो कांग्रेस के लोग यहाँ आते हैं, क्या कहते हैं, मैं बेटियों के साथ हूँ, बहनों के साथ हूँ, पहलवानों के साथ हूँ। चंद्रशेखर आजाद आते कहते जय भीम। सुनो सुनो सुनो, अरे बोलो, एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलो। कांग्रेस पार्टी या और कोई पार्टी जो यहाँ आती है वो इसलिए आती है क्योंकि बेटियाँ उनकी भी हैं और बहने भी हैं। नहीं नहीं, अगर वो नहीं आएंगे ना तो ये सवाल खड़ा हो जाएगा यहाँ ने। नहीं सुनो, नहीं जवाब दे दो यार, हटो, बात हम क्या कह रहे हैं, भैया बीच में ले लो, हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, तुम कांग्रेस में घुस रहे हो भाई, तो बोलिए तो सुनो, प्रतिक्रिया पहले सुनो, हम कांग्रेस की नहीं कह रहे, पूरी बात सुनो, पत्रकारिता कर रहे हो, सुनो तो मुझे बोलिए, उनको नहीं सुनो, अरे मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो यार, तुम्हें तमीज ही नहीं है, पहले हमसे ले लो, सुनो भाई, सुनो भाई, अरे मीडिया में सुनो, अरे सुनो, चलो मीडिया में राहुल गांधी आए, चंद्रशेखर आ रहा है, हट जा भाई, हट जा, नहीं देना ही नहीं है हमें, हट जा, चलो मुझे तमीज।